हेलो एवरीवन, आई एम रूंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऑयलिंग हैक। ऑयलिंग तो हम रेगुलर करते ही हैं वीक में एक दो दिन, क्योंकि ऑयल से हमारे जो हेयर है वो मॉइस्चराइज रहते हैं, बालों को पोषण मिलती है। हम कोई भी ऑयल क्यों ना यूज़ कर ले, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, अमंड ऑयल। आज का जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। उस ऑयल में बस आपको दो चीज़ें मिलानी हैं जो घर में अवेलेबल होती है, और उससे आपका जो ऑयल है वो और भी पोटेंट बन जाएगा, बेनिफिशियल बन जाएगा। ये आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देगा, अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे खत्म कर देगा, न्यू बेबी हेयर ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और बालों को नेचुरली काला भी बनाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना इस ट्रिक को फॉलो किया जाए। तो आइए दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको गैस को लो फ्लेम में करके उसमें कोकोनट ऑयल दे देना है, और साथ ही साथ उसमें दे देना है ब्लैक क्यूमिन सीड्स, मतलब कलौंजी। आपको ऑयल को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है, उसी में साथ ही साथ डाल देना है, और इसमें दे देना है फेनुग्रीक सीड्स। इस ऑयल को हम सिर्फ 3 से 4 मिनट ही गैस के फ्लेम में रखेंगे, और फिर इसमें हम दे देंगे करी लीव्स। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, मतलब हमें गर्म ज़्यादा करना भी नहीं है इसको। और अब हमें इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो पाए, और फिर हमें इसमें ऐड कर देना है ऑनियन। ऑनियन हमें बहुत ही कम देना है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऑयल बना के रख सकते हैं। आप 1 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको जो बॉटल लेना है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। मैंने भी बना के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और इस फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है, बस 3 से 4 मिनट ही आपको इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, तो ऑयल की जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ है वो चली जाएंगी। और इसको ठंडा करके हमें छान के एक बोल में निकाल लेना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर्स पे। तो मैं पहले अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। ज़्यादातर आप हमें कमेंट करते हैं कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है ऑयलिंग के टाइम। तो ऑयलिंग के टाइम ज़्यादातर हमें हेयर फॉल होती है क्योंकि हम अच्छे से हेयर्स को कॉम्ब नहीं करते हैं, और फिर ऑयलिंग करने के बाद कॉम्ब करते हैं, उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे से कॉम्ब करने के बाद ऑयलिंग करेंगे तो हेयर फॉल नहीं होगा। फिर आपको अपने स्कैल्प में मसाज करते हुए पूरे ऑयल को अप्लाई कर लेना है। इस ऑयल को लगाने से आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है फेनुग्रीक सीड एंड करी लीव्स, तो दोनों ही हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमने कोकोनट ऑयल ऐड किया है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा अपने हेयर्स पे कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप चाहे तो कोकोनट ऑयल की जगह पर मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो वीक में 2 से 3 दिन आपको इस ऑयल को अपने पूरे हेयर्स पे अप्लाई करना है। आप इस ऑयल को अपने हेयर्स पे ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, या फिर आप शैम्पू वॉश करने से 1 घंटा पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर 5 से 7 मिनट्स तक हमें मसाज करनी है। मसाज हमारे फिंगर टिप से होनी चाहिए, नेल्स बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है, इससे हमारे स्कैल्प में कट हो सकता है और वहाँ पर हमें इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं अपने हेयर्स को बन बना के रखूँगी। अभी ऑयलिंग के बाद मैं कोई हेयर कॉम नहीं करूँगी जिससे कि हेयर्स पे डैमेज आए। तो इस ऑयल को आप रेगुलर यूज़ कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन से तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, लेकिन इनको काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप 1 मंथ तक यूज़ कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने गजब के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, तब आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर पाओगे। लेकिन 1 महीना आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इसको यूज़ करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है। तो इस ऑयल को घर पे प्रिपेयर कीजिए, यूज़ कीजिए, और जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता है आप वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। ऑल्सो आप अपना फोटो वीडियोस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे। रिजल्ट देख के मुझे बहुत ही खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।